I'll be happy. Abhishek किसी को भी मेरी भाभी बनाएगा. I won't say emotional. He's a little, you know, I'd say weak. और दूर नहीं रह पाता घर से. Maybe मेरा भाई जो है वो entrepreneurial side में बहुत अच्छा है. But when it comes to, you know, clear-headed vision वाले sense में, I think I'm very good at that. I just write down some points, key points, and फिर मैं उसको अपने words में while I'm recording में बोलता हूँ, so that वो थोड़ा natural रहे rather than scripted. Subscribe to Filmy Gyan. I'm really sorry I can't hear my DOPs, but I believe it's a Rolling. Start of interview, and I'm also Adi welcoming you to the Ajeeb Atrangi interview with one and only Nish or triggered insan, and we are really triggering you with the questions. Firstly, okay. How does it feel, YouTuber of the year? My God, honestly, matlab it was like I've never done this for awards, and when I actually got the award, it was like, yaar, did I deserve it? Yeah. Matlab banta tha. फिर मैंने सोचा, आई वॉज लाइक यार, लास्ट लाइक 4 ईयर्स से ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोज, रेगुलर स्ट्रीम्स, लाइव, गेमिंग वीडियोज, कमेंट्री वीडियोज, शॉर्ट्स, व्लॉग्स, सब कुछ करे, तो मे बी शायद अकेले ने नहीं, पूरी फैमिली ने साथ में किया. हाँ, एंड फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली हैज सपोर्टेड अ लॉट, बट आई थिंक दिस अवार्ड इज फॉर, यू नो, एवरीबडी हु हैज फॉलोड मी एंड सपोर्टेड मी सो मच. द ऑडियंस इज जस्ट so lovely, so crazy, and I love all of you. Thank you so much. Yes, janta ka ek bahut bada sawal. How's Manisha? Manisha, would you love to date Manisha Rani? Would you love to what? Date Manisha Rani? Date? Yeah. Nahin, that's a nice question. I think Abhisha wale jo hai, wo kafi offend ho jayenge. Nahin, there is new one, Nisha. Nisha plus Manisha. Nisha. Hashtag. I think as I have always said, Manisha is very sweet, but dating, so I don't think kabhi hamare beech mein aisa koi wo hai. This is not even, you know, is pure realm of existence mein aisa kabhi mere ko laga nahi tha aisa koi question aayega mere ko. But I think Abhishek and Manisha ka log jo hai, they ship them together. And unka actually mein kya hai, wo unko hi pata hai. But I don't think ke mere aur Manisha mein dating wala aisa kabhi kuch hoga. Okay. Nishay, kyunki abhi industry has started giving us a place. YouTube community को place. Right. How do you see this thing, जो change अभी हमने देखा है for the YouTubers, चाहे being called in the shows and giving them preferences, and for that matter ruling it. Right. I think YouTubers का ना एक जो audience के साथ direct connect है, and the thing is के कोविड वाले टाइम पे अगर हम वापस जाए, दैट वाज अ टाइम जब मूवीज वगैरह रिलीज नहीं हो रही थी, टीवी शोज वगैरह नहीं आ रहे थे, तो यूट्यूब वाज द सोर्स जो ऑडियंस के पास अवेलेबल था फॉर देयर एंटरटेनमेंट. एंड इट वाज दैट टाइम जब यूट्यूब स्टार्टेड ग्रोइंग इवन, यू नो, एक्सपोनेंशियली और ज्यादा. तो आई थिंक यूट्यूब हैज ऑलवेज बीन दैट प्लेटफॉर्म जो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवाती है एक बंदे को. एंड वो चीज जो है अभी आई गेस वो सारे रियलाइज कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स गेट इनसेन अमाउंट ऑफ सपोर्ट, बिकॉज वो इतने रिलेटेबल है फॉर एवरीवन. बिकॉज देयर, यार, आपने एक फोन उठाया, एवरीबडी हैज अ फोन, यू जस्ट पिक अप अ फोन, यू स्टार्ट ब्लॉगिंग, एनीबडी कैन डू दैट. एंड उसी वजह से यूट्यूबर्स बिकम वेरी रिलेटेबल. लेकिन ये चीज जो है, आई थिंक द इंडस्ट्री नेवर रियलाइज दिस, बट सो ट्रू. आई थिंक चेंज जो है ना, इट्स ऑलवेज, यू नो, वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, और टाइम देता लगता है उसमें, बट सूनर और लेटर यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. नाउ यू स्टिल वर्क ऑन व्हाट स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट्स फॉर यूट्यूब, व्हाटएवर यू अपलोड, व्हाटएवर यू, ऑब्वियसली. सो आई हैव नेवर रिटन लाइक कॉन्क्रीट स्क्रिप्ट्स कभी भी. इट्स जस्ट दैट मेरे को जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी होती है, आई जस्ट राइट डाउन सम पॉइंट्स, की पॉइंट्स, एंड फिर मैं उसको अपने वर्ड्स में व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ, सो दैट वो थोड़ा नेचुरल रहे रादर देन स्क्रिप्टेड. तो कहना गलत नहीं होगा कि यूट्यूबर की एंड यूट्यूब की जो शान है वो ट्रिगर्ड इंसान है. ओह वाह, ये काफ़ी अच्छा वाइन लाइनर था, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई थिंक यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म जो है, इट इज़ यूट्यूब बिकॉज उस पर इतने सारे क्रिएटर्स हैं, एंड एवरीबडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. उसमें एक छोटी सी जगह हमको भी मिल गई, एंड आई ऑल्सो गेट टू डू समथिंग दैट आई सुख. ये सारे इनकी जो चीज़ें हैं, बीइंग वेरी हम्बल इज थॉट बाय वन एंड ओनली डिंपल जी. आई एम टेलिंग यू गाइज, शी हैज़ बीन देयर टीचिंग यू टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हैविंग नॉट सो गुड फॉलोवर्स, स्टिल दे आर वेरी एरोगेंट. यार, आई थिंक माई फादर, माई मदर, उन्होंने ना हमेशा एक चीज ये सिखाई है कि सक्सेस सर पे नहीं चढ़नी चाहिए. सो ट्रू. एंड
यू नो ऐसा कभी आज तक मोमेंट हुआ नहीं है जब मैंने ऐसा कभी शो किया हो अपने घर पे भी कि ओ भाई अब तो भाई इतना अचीव कर लिया है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए. माय मॉम एंड डैड आर ऑलवेज देयर मेरे को चप्पल मार के सही करने के लिए कि जमीन पे ही रहे. अगर कभी ऐसा होता भी है तो लाइक वो सिखाया ही है बचपन से पापा ने कि हम्बल नहीं रहोगे तो भाई तुम कितना मर्जी अचीव कर लो वो टेम्पररी रहेगा. अगर उसको लॉन्ग रन तक रखना है यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ. जहाँ से राइज करा है वो कभी नहीं भूल सकते. यस मुझे मेरा फोन पास एंड इसीलिए हम इतने डाउन टू अर्थ है कि हम अर्थ पे बैठ के आज कर रहे हैं. या सो अर्दी वी आर विद सम अर्दी कलर्स एज वेल. स्लाइड इट 1 2 3 गो. यू थ्रोइंग इट माय फोन बैग. आई विल जस्ट कैच इट. Cricketer expert catching the audience. You see what a catch, what a mismatch of sitting at a place where we never hopped off during interview. Lekin yes, some quick cheeze jo janta jana chahti hai aapke bare mein, because I am the representer of janta. I'll be asking questions because that's my work. Aap janta hain. Aap main janta hu na. Okay. Main janta hu. Besan mein pakoda santa hai. Besan santa hai. Okay. Wanna dabble in Bollywood? What? You will be doing Bollywood? Will I be in Bollywood? I don't think so. I'll be very honest. ये जो professional shoots वगैरह होते हैं मैंने जितने भी आज तक करे हैं ये बहुत tiring होते हैं. Trust me. Just because of that you are denying that you will not. नहीं ऐसा नहीं है. I'll tell you what. These shoots are very tiring and बहुत stressful होते हैं. Like अभी भी हम एक set पे ही बैठे हैं जहाँ पे एक shoot अभी end हुआ है and दो दिन से non-stop ये shoot चले जा रहे हैं. तो यार हमें लगता है कि हम एक movie देखते हैं हमें पसंद नहीं आती तो हम बोल देते हैं. We are very you know quick to say अरे बेकार movie है ये है वो है. And मैं तो खुद भाई roast videos बनाता हूँ मैं तो बोलता ही हूँ. But अभी recently ऐसे shoots वगैरह पे आके मेरे को realize होता है भाई every scene takes so much effort. इतनी scripting, इतनी बड़ी बड़ी teams उसके पीछे होती है. तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो life का goal था कि अपने घर पे बैठ के अपनी मर्जी से जब मेरे को काम कर रहा हूँ तब videos बनाना, वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा इफ आई एवर गो टू बॉलीवुड. बट अगर हाँ कभी कोई बॉलीवुड से मेरे को ऑफर आता है तो सोचेंगे. मतलब सोचेंगे. इट्स अ यस. इट्स अ लाइक मेबी. ओके. He's not giving me any chance of saying yes at all. Who's your Bollywood crush? Bollywood crush, I'll be honest. I'm straight, but I have a man crush on Hrithik Roshan since like forever. I think Hrithik Roshan has been my favorite hero since I first saw Kahona Pyar Hai. And I love Shah Rukh also. Bachpan mein, you know, we used to have a like fan war kind of. So mere ghar mein, we were 5 kids growing up. We had a joint family. So मेरी सिस्टर एंड मेरी कजन वो SRK फैन गर्ल्स थी. प्रेरणा एंड मेहर SRK फैन गर्ल्स थी. मी एंड माय टू ब्रदर एंड कजन्स अभिषेक एंड वरदान वी वर ऋतिक रोशन स्टैंड्स. तो हमारे बीच में ऐसा बहुत वॉर वगैरह चलती थी कि भाई ये है बेटर ये है बेटर. एंड आई थिंक ऋतिक मेरे लिए मैन क्रश हमेशा से ही था. बट आफ्टर कोई मिल गया क्रिश एंड अभी रिसेंटली वॉर का वो हेलीकॉप्टर से एग्जिट वाला जो सीन है उनका. Okay. An actress. He's just too good. Crush in Bollywood. Actress crush. I think. अभी recently तो I haven't had a crush किसी पे. But last मुझे वो पसंद आई थी बाहुबली में जो थी. Who was in Bahubali? Rashmika Mandanna. कौन सी शेट्टी? Good morning. अनुष्का शेट्टी. I think Anushka Shetty. I loved Bahubali too and मेरे को उस time पे Anushka Shetty इतनी cute लगती थी ना. She was so good as Devsena. Devsena ही था ना उनका नाम. I think Devsena ही था. Look at the crush she's having guys. Don't even know the name. तेरा ऐसे ही होता है गुमनाम सा. Devsena ही था I think. हाँ Devsena ही था. माफ कीजिए हम दोनों को ही. अरे Bahubali 2 देखे हुए बहुत time हो गए ना. कितने साल हो गए देखे हुए. Covid में देखी थी last. Overrated player in Bigg Boss was? Overrated player in Big Boss. यार मैंने Big Boss इतना देखा ही नहीं है कि मैं किसी को overrated बोल सकूँ. यार नहीं मेरे को नहीं लगता. Watching Big Boss like hell. Big Boss ओडी. नहीं नहीं I wasn't. So I have seen Big Boss on reels, Instagram reels या Twitter clips में. And मैंने जब videos बनाई हैं, तो मैंने तब भी नहीं देखा Big Boss. So I have like people जो अब मेरे को memes वगैरह ढूंढ के देते हैं. So I just ask them कि यार मेरे को अभी जो भी last 2 weeks में हुआ है. In short, he has a team now, right?
So yeah, kind of. So like there was this Instagram fan page and उन्होंने मेरे को ऐसा email किया था that they wanted to work and at that point of time luckily even I was looking for someone जो मेरे लिए content वगैरह ढूंढने में help करे because gaming channel उसमें live streaming फिर triggered इंसान channel and these shoots तो थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था एडिटिंग भी साथ साथ तो इसीलिए या आई डू हैव पीपल हु हेल्प मी अप वीडियोस वगैरह बट स्टिल हु डू यू थिंक इज ओवररेटेड एंड वाज ओवररेटेड इन द ओटीटी टू सीजन या ओवररेटेड आई एम होपिंग अ गुड नेम या मैं जिसका नाम सोचता हूँ फिर मेरे को याद आता है दे आई कैन नॉट से दैट दे वर ओवररेटेड बिकॉज दे हैव सो मच कॉन्टेंट Like, I was obviously thinking Bebika or Pooja, but they were not overrated, honestly. वो content तो बहुत दिया है उन्होंने. यार, overrated actually में मेरे को पता ही नहीं यार. Nah, everybody was good, I think. Okay. No answer. But he still mentioned Bebika or Pooja. If, but I again said, they were not overrated, yeah. they were very good for content. Yeah. yeah. So they were not overrated. It's just that वो थोड़े से obviously they were not too good. They were not too kind towards my brother. Sorry. तो इसलिए हाँ थोड़ा सा. Sorry baby का I know you we have a good bond but it's fine. And sorry Pooja Jai that sent you my voice note. I'm really sorry. अरे so they were good for content but they were not too kind towards my brother ना तो इसलिए मेरे दिमाग में उनका नाम याद आया. Your go-to food is. My go-to food is like bhelpuri is my favorite. I'll have bhelpuri anytime. Have you had Mumbai bhelpuri? Yeah. I did just today. I did. How was it? Overrated. I liked it. it was very spicy. I liked it. Okay. Because I like spicy food. Haan. Uske alawa I love dosa. Okay. And I think bhelpuri or dosa. Works. Yeah. No. Okay. Who do you consider your biggest competition in YouTube community? Competition in YouTube community. The best part is YouTube में there is no competition. Because again, as I said, everybody can be a YouTuber. हर कोई जिसके पास फोन है is a YouTuber. It's yeah. not like आज मेरी वीडियो रिलीज हो रही है और आज किसी और की भी वीडियो रिलीज हो रही है तो लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे. फिल्मों में होता है ना कि दो बड़े एक्टर्स की मूवी सेम टाइम पे आई क्लैश होगा. YouTube में वो सीन है ही नहीं. इसकी वीडियो देखने के बाद इसकी देख ले तो फ्री इंटरनेट है मेरे पास. तो आई डोंट थिंक YouTube में कोई कंपटीशन as such. बट स्टिल कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत एडमायर करते हो? एडमायर करता हूँ. हाँ ऐसे काफी होंगे. सवाल बदल दो बात ही खत्म. हम्बल रहने का कभी भी ऐसे आंसर देने नहीं है. टेढ़ा बनना पड़ता है. एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पे आंसर देना ही नहीं जिनसे कॉन्ट्रोवर्सी हो. सो क्लेवर. Admire, so there are a lot of foreign YouTubers. पहले तो I think KSI is the one I have been watching like since 2014. I think जब he was inactive अपने channel पे, KSI जो उनका main channel था, he had stopped uploading videos for like 2 years. Okay. उस time पे I found his channel and I binge watched all his videos. I was like, भाई ये बंदा है, भाई ऐसा बंदा है. This is the type of videos even I want to make. He was vlogging उसके बाद when he came back and beefs, diss track, reactions. So like तो उनकी हंसी, his laugh is so contagious. Contagious. Even yeah. I think even I have a similar laugh. Do you know I'm being compared before I was having straight hair. अभी मैंने curl करवाए हैं. Right. The fake guys. I am not fake by nature. You know what? You and I look a lot alike. That's what I was telling. Saurav Joshi, I used to get compared of and with and you. You him and I actually look so alike. I mean if you just go a little na you are also gora. That's me. Thoda sa bas you know thoda sa beard agar aa jayega वैसे मेरे भी पूरी नहीं आती है बस थोड़ी सी अगर आ जाएगी ना. Dimple ji never told us that you visited Ambala someday. I don't know if you were there. Sorry. Wait, are you from Ambala? Yeah. My mom is also from Ambala. There are some of the people I'll be naming from Big Boss. I okay. just want whatever comes to your mind, you state it straightforwardly because that's what you are. Okay? Okay. Jiya Shankar. Cute. Oh, not Bhabhi. A cute Bhabhi maybe? Wo Abhishek ke upar hai. Ye Abhiya, Abhisha. I would be very happy agar log mujhe isse thoda dur rakhe kyunki wo Abhishek ki personal life. Would you be happy having her as Bhabhi? I'll be happy Abhishek kisi ko bhi meri bhabhi banayega because ultimately he's not giving me any controversy. Yaar Abhishek jisko marzi bhabhi banaye मुझे तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा ना एज अ ब्रदर के भाभी आई है. अब मैं ये थोड़ी ना मतलब मेरे को तो वो ज्यादा पसंद थी. वो अभिषेक की चॉइस है. बाकी आई विल बी हैप्पी कोई भी हो. शी इज जस्ट क्यूट नॉट क्यूट भाभी. शी इज वेरी क्यूट. ओके.
सॉरी नो भाभी सॉरी जिया शंकर एल्विश यादव स्मार्ट इज वेरी स्मार्ट ही नोज मेरे को कब कहाँ पे किस तरीके से खेलनी है गेम हाँ इवन आउटसाइड ऑफ द हाउस नहीं बिग बॉस की बात कर रहे हैं ना मनीषा रानी वेरी केयरिंग बेबी का वेरी नॉट सो केयरिंग वेरी नॉट सो केयरिंग नॉट टू काइंड टू माय ब्रदर रियली सॉरी बेबी का ही विल बी किलिंग मी अप फॉर दिस पूजा भट्ट इन्फ्लुएंशियल डोमिनेटिंग नाइस योर ब्रदर फुकरेन सर स्मार्ट बट इमोशनल Nah, I won't say emotional. He's a little, you know, I'd say weak. Thoda sa, because... The headline states, let me read the headline for now. Oh, dur nahi reh pata ghar se. He's weak. Like, in emotionally weak, I'd say. But he's very clever. He knows, matlab, wo kis surrounding mein hai, usko kis tarike se game khelni hai. Has very good knowledge of his surroundings. Bas thoda sa emotionally, I'd say, weak hai. The headline states, when and only coming from the Nishchay, Milhan, obviously a triggered insan, stating that his brother Fukra insan is weak. No, emotionally. वो घर का सबसे छोटा बेटा है ना, तो he has been pampered a lot. तो इसलिए I think वो घर से दूर रह रहा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए उसको अब हम घर में ही रखेंगे, हमारे साथ ही रहे. 17 he's doing. I doubt. नहीं. Okay. The other headline states, I'll read it later on, otherwise मुझे लोग खा जाएंगे जो आसपास बैठे हैं. लेकिन are you going in Big Boss 17? I doubt. You doubt? नहीं मतलब you doubt the channel or who? अरे they won't approach me even if they do. I don't know कि मैं जाऊँगा भी या नहीं. तो very unlikely. 99% it's no. Kind of yeah. 99% it's a no. No yeah. So Abhishek. के बाद यू नॉट आल्सो नॉट गोना आई थिंक अभिषेक ने ऑलरेडी बिग बॉस से इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है और उसकी पॉपुलैरिटी के छींटे जो है हम पर भी पड़ गए हैं थोड़े बहुत तो इससे ज़्यादा मैं 100,000 सब्सक्राइबर्स पे भी खुश था जब मेरे 50,000 व्यूज आते थे आई वॉज डूइंग फाइन इन माई लाइफ आई हैड यू नो जस्ट क्विट माई जॉब एंड आई वॉज सिटिंग एट होम मेकिंग वीडियोज थिंकिंग अगली वीडियो क्या बनाऊंगा हर रोज हैप्पी विद वॉट एवर आई वॉज यू नो डूइंग एंड अचीविंग एंड अभी तो ही फिर उसके बाद वी ग्रो टिल 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे चैनल पे सब बढ़िया हुआ एंड उसके ऊपर से बिग बॉस के भी पॉपुलैरिटी के छींटे जो उसने हमारे ऊपर गिरा दिए दिस इज लाइक मोर देन आई हैड एवर ड्रीम्ड ऑफ और मोर देन आई थिंक आई वुड हैव एवर अचीव्ड थोड़ा ओवर अचीवर वाली फीलिंग आती है एंड बस इससे ज्यादा कुछ चाहिए अच्छा वन पर्सन जिसने ना आपको बिग यूट्यूब पर हमेशा कॉम्पिटिशन दिया है दैट इज योर मदर Oh my God, I love her. Mummy ne competition diya hai mujhe. Obviously, she is all set with the views. She is all set with the content to make everywhere. She is someone. Okay, tum jao bahar mein. I am there with my content. I'll tell you what. So, jab hi like vlogging wala trend chal raha tha na. So like I think is cheez pe you know maybe kuch log jo mere ko follow karte hain, unko wo समझेंगे आई हैव अ वेरी विजनरी माइंड सेट तो मे बी मेरा भाई जो है वो एंटरप्रेन्योरियल साइड में बहुत अच्छा है बट व्हेन इट कम्स टू यू नो क्लियर हेडेड विजन वाले सेंस में आई थिंक आई एम वेरी गुड एट दैट क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने अपने घर में यूट्यूब को इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई यूट्यूब पे यू नो यू कैन मेक अ प्रॉपर लाइवलीहुड एंड ऑल उस सेंस में फिर उसके बाद इट वॉज लाइक 2021 तभी मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था शी वॉज मेकिंग कुकिंग वीडियोज उससे आई वॉज द वन जिन्होंने डिम्पल्स किचन तो आई वॉज द वन जिन्होंने उनका किचन चैनल स्टार्ट कराया था बिकॉज वेन आई वॉज इन हॉस्टल सॉरी कॉलेज वाले टाइम पे मैं उनको बोला करता था कि जब मैं हॉस्टल से वापस आऊंगा ना मैं आपका YouTube चैनल स्टार्ट करवाऊंगा बिकॉज उस टाइम पे तो मेरा चैनल भी नहीं चलता था तो मैंने बोला था कविताज किचन वॉज अ वेरी पॉपुलर YouTube चैनल तभी तो मैंने उनको बोला था जब मैं वापस आऊंगा आपका एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करेंगे आप भी ऐसा वीडियोस वगैरह बनाना अपनी कुकिंग की और मैं चैनल चलाऊंगा वो तो वो चीज कभी हुई नहीं जब मैं कॉलेज से वापस आया मेरी जॉब वगैरह स्टार्ट हो गई थी फिर मेरा यूट्यूब चल पड़ा तो इट वॉज इन 2019 जब उनका मैंने चैनल फाइनली स्टार्ट करवाया था तो इट वॉज इन 2021 व्हेन आई फाइनली टोल्ड हर कि मम्मी कुकिंग वाली वीडियोस एक बंदा तभी देखेगा जब उसको कोई स्पेसिफिक डिश बनानी है सो ट्रू कोई ऐसा सीखने के लिए रेगुलर जो कुकिंग वीडियोस देखते हैं वो बहुत कम होगी तो आई थिंक अभी जो है ना व्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा है तो आई थिंक हमें ना व्लॉगिंग करनी चाहिए एंड आई वांट टू डू व्लॉगिंग बट मैं अपना एक और चैनल नहीं शुरू कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ट्रिगर्ड लाइव दोनों चैनल्स को मैनेज करना एंड ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप चैनल स्टार्ट करो
मेक इट अ फैमिली व्लॉगिंग चैनल. मम्मी वाज लाइक यार मैं क्या करूंगी व्लॉगिंग, मेरे को नहीं आती, कंटेंट क्या होगा. हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर हर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली. सो फर्स्ट जब वो कुकिंग वीडियोस बनाती थी उनको माइक वाइक सेटअप करना पड़ता था, वहां से उनको आराम मिल गया क्योंकि आप सीधा फोन उठा के उनको रिकॉर्ड करना है, वहां से इजी हो गया उनके लिए. लेकिन शी हैड नो आइडिया मैं बोलूं क्या, मैं रिकॉर्ड क्या करूं, मैं कैमरा कैसे पकड़ूं. मैंने कहा मम्मी आपने कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के 6 महीने के अगर आप उनके व्लॉग्स देखोगे इट्स जस्ट कैमरा इज ऑन मी एंड अभिषेक. मम्मी अपनी तरफ कैमरा घुमाती ही नहीं थी. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बस कैमरा के अगर पीछे खड़े रह के भी सिर्फ मेरे को और अभिषेक को व्लॉग करोगे चलेगा, पर धीरे धीरे आप सीख जाओगे, देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. एंड इट्स 2023 आज एंड शी हैज बिकम सो कॉन्फिडेंट. मम्मी कैमरा उठाने में भी शाय होती थी एंड टुडे शी कैन व्लॉग सो कॉन्फिडेंटली. उन्होंने तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स का धंधा चौपट कर दिया है भाई साहब. इस बिग बॉस में तो स्पेशली हम देख रहे हैं अभी व्यूज आएंगे, अभी इतने में देखे सिंपल मैम का व्लॉग आउट है. इसका क्रेडिट अभिषेक को जाता है. तो बिग बॉस में जाने से पहले ही वॉज लाइक जब मैं घर में जाऊंगा आप रोज डालो वीडियो कि आज बिग बॉस में अभिषेक ने ये किया है वो किया है. एंड तभी हमें भी ये आइडिया नहीं था कि इट विल बी वर्किंग दिस वे. रीच इतनी इनसेन है दैट द चैनल 10 मिलियन लिटरली टू 2 डेज चैनल वेंट फ्रॉम लेट्स से एक्स टू 3x विद इन लाइक 2 मंथ्स. एट बिग बॉस की रीच ही थी वो ऑब्वियसली. तो आई थिंक उसमें अभिषेक का बहुत ज्यादा रोल था. ही वाज लाइक करना रोज का व्लॉग करना. बट निश्चय हाउ डू यू सी दिस मच ऑफ लव गिविंग गिवन बाय द पीपल टू यू एंड ईच एंड एवरी पॉसिबल पर्सन इन योर फैमिली, बिकॉज प्रेरणा इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, हर्ष इज वेरी एक्टिव, यू आर एक्टिव, पुकरा इज एक्टिव, मदर इज एक्टिव, एवरी वन इज एक्टिव. तो जनता ने प्यार में कमी कहीं नहीं छोड़ी, पूरी फैमिली को बराबर दी है. सो मच ऑफ लव यू गॉट राइट. एक चीज दैट आई थिंक यूट्यूब पे है ना कि इवन इफ यू हैव अ फ्रेंड, अ ब्रदर, मदर, सिस्टर, कोई भी हो, टिल द टाइम यू आर नॉट मेकिंग कॉन्टेंट जो लोगों को पसंद आएगा देर इज लाइक नो पॉइंट. आपका लेट से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मैं उसके साथ वीडियोस बनाता हूँ, 3-4-5 वीडियोस बनाता हूँ एंड पीपल यू नो बिकॉज ऑफ मी दे गेट टू नो हिम ऑब्वियसली. या फिर मेरा कोई एक थर्ड ब्रदर हो गया, कुछ भी है ऐसा, एंड लोग उसको देखना शुरू करते हैं. वो उसको एक दिन तो देख लेंगे मेरी वजह से, दो दिन देख लेंगे, बट जब तक वो अच्छा कॉन्टेंट नहीं देगा उनको रेगुलरली लोग नहीं देखेंगे. सो यूट्यूब पे You have your phone, you pick up a phone, you record videos, हर कोई देख रहा है. कोई भी उसको you know video को record कर सकता है और कोई भी उसको देख सकता है, but जब तक वो video लोगों को पसंद नहीं आएगी कोई फायदा नहीं है. तो I think इस चीज में I have to credit everyone, beat अभिषेक, beat प्रेरणा जीजू and beat मम्मा, सब शायद अच्छी videos बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रही है. तो वो तो लोगों का प्यार है आगे. But I think credit to everyone who is making videos. Like even if you are watching this video और आपके घर में भी 10 members हैं, 10 के 10 लोग अपने अपने channel बनाओ and videos post करो. Because YouTube is free for all यार, phone उठाया सब video बनाओ. बाकी अगर लोगों को पसंद आएगी तो उन 10 को देखेंगे, नहीं आएगी तो शायद एक को भी ना देखें. So true. I remember the very first time when I interviewed someone from your family was Prerna and Harsh, right? Okay. सबसे पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, then I interviewed अभिषेक. अभिषेक. Then obviously. Finally. OG. Obviously all are OGs. I am also OG. Right? So she is Prerna is someone जो अपने भावों को ना मन में नहीं रखती. बिग बॉस के समय पे शी वॉज समवन ऑल कंप्लेनिंग इफ दैट इज बींग डन. शी वॉज ऑल सेट कि नहीं नहीं भाई मैं तो बोलूंगी, आई विल नॉट शट माई सेल्फ, ये क्यों हुआ है. इफ इफ इट इज बींग डन बाय द मेकर्स, तो जनता की वोटिंग क्यों है. आई रेड ऑल ऑफ दोज ट्वीट्स. हाउ डू यू सी प्रेरणा डूइंग ऑल ऑफ दिस. तो शी वॉज लाइक, अभिषेक ने भी मुझे बताया कि प्रेरणा ने मुझे बोला कि तू कुछ मत पढ़ियो, जब आएगा मैं तुमको खुद दिखाऊंगी मैंने राइटर लिखा है. प्रेरणा ना As you said, वो emotions उसको जो दिखाने होते हैं ना किसी को, she's very blunt, वो बोल देगी मुंह पे. If she's not happy, she'll say it. I think I admire that quality, but I think social media पे कभी कभार you have to be, you know, थोड़ा सा कर लेता हूँ control, कोई नहीं. अभी जैसे you कितना भी आप मतलब अपना चैनल ग्रो कर लो, देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल बी कमेंटिंग समथिंग बैड और नेगेटिव ऑन योर वीडियोस, योर ट्वीट्स, योर पोस्ट. तो प्रेरणा को जब भी ऐसा कोई कमेंट देखेगा, शी इज लाइक मैं रिप्लाई करूंगी इस पे.
मैं अगर कोई कमेंट देखूंगा लाइक छोड़ भाई इसने गलत कमेंट करा है, कोई कभी गालियां दे देगा, कोई कुछ बोल देगा, फैमिली के बारे में बोल देगा, लाइक कोई नहीं भाई, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जिंदगी से, जिंदगी सही नहीं चल रही होगी, गुस्सा निकाल रहा है। मोटिवेटिंग मी नॉट टू रिप्लाई एवरीवन बिकॉज़ आई स्टार्टेड डूइंग इट। इतनी गालियां मुझे अभी पड़ी है जवान के ट्रेलर के बाद, पीपल हैव रियली बैश्ड मी आउट। यार आई तो लव दैट ट्रेलर, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स। Being a critic, I have to be थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है थोड़ा। मैं I'm not a movie critic, मैं तो भाई एक जनता में जो बैठ के थिएटर में जाके मूवी देखता है मैं वो, एंड आई तो लव ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज दैट आई वॉच, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पॉपकॉर्न दे दो, आई लव इट। बट जवान का ट्रेलर तो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, एंड आई जस्ट होप जवान की स्टोरी जो है वो पठान से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बिकॉज आई वॉन्ट एक शाहरुख खान मूवी लाइक मैं हूं ना, मतलब आई हैव बीन क्रेविंग फॉर अ मैं हूं ना टाइप मूवी फॉर सो लॉन्ग। आई जस्ट होप जवान उतनी अच्छी हो, मजा आ जाए। लेट मी मेक यू फील जेलस, आई रिसेंटली इंटरव्यूड सुष्मिता से। ओके, मिस चांदनी, यार वो कितना आई वाज वेटिंग सुष्मिता वेरी जस्ट सारी, शी इज लाइक एक्सक्यूज मी दुदुम या यार मैं हूं ना आई थिंक इज वन ऑफ माय फेवरेट एसआरके मूवीज, मैं हूं ना एंड चक दे। I love it. Quick message to your fans because we are running out of time. Right. Keep watching Cricket Insan, Dimple Ji, Abhishek. And subscribe to Filmi Gyan and like this video. Keep watching. And thanks to Adi. And thanks to everyone who has always supported me. Like, for real, guys. Thank you so much. And see? But still, it means a lot. Down to earth people. Down to earth. इतना down किया अभी अंदर ही घुस जाता हूँ. Thank you so much. Bye bye. Bye.